माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जो एडजेक्टिव हमारा था लास्ट चैप्टर में, हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव बोल रहे पढ़े थे, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण पढ़े थे। अब उसमें क्या था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, नहीं। अब नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव का ही अगला इसका पार्ट है, जो है इंफेसिजिंग एडजेक्टिव। कौन है जी, कौन है इंफेसिजिंग एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबल बोधक विशेषण, ठीक है। आप इसको जो है बलदायक वाचक भी बोल सकते हैं, यानी कि बलदायक। देखिए ये जो एडजेक्टिव है, ये नाम से ही हमको पता चल रहा है, बलदायक या प्रबल बोधक, मतलब कि बल देगा उस पर, फोर्स करेगा, जोर देगा, ठीक है ना। इंफेसिस का मतलब ही होता है बल देना, जोर देना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ है इंफेसिजिंग एडजेक्टिव, यानी कि प्रबल बोधक विशेषण, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए ये तो डिफिनेशन एग्जाम्पल की बात है। हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि प्रबल बोधक विशेषण होता क्या है। देखिए किसी भी नाउन पर अगर जोर दिया जाएगा, बल दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर बल दिया जाता है तो जो बल देने के लिए जो शब्द आता है वही आपका इंफेसिजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एक बात बोलते हैं कि मैंने अपनी हाथों से उसकी सहायता किया, तो अपनी जो शब्द आया हाथों से, तो हाथ के ऊपर बल कौन दे रहा है, अपनी, अपनी हाथों से सहायता किया, मतलब ये हुआ कि सहायता तो मैंने किया। एक जनरल वे में कहा जाए तो सहायता हम किए उसको, लेकिन कैसे किए, अपनी हाथों से किए। अब जिसे हाथों में कुछ उसका काम होगा, चाहे जो भी होगा, मैंने उसकी मदद अपनी हाथों से किया, तो जो अपनी शब्द आया, ठीक है, यही आपका जो अपनी शब्द होगा, यही आपका प्रबल बोधक विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही किताब मुझे चाहिए, वही किताब, तो किताब के ऊपर कौन सा शब्द बल दिया, वही, कौन जी, वही, तो वही जो शब्द आया हमारा, वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रबल बोधक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबल बोधक विशेषण। देखिए यहाँ डिफिनेशन भी आपका बोल रहा है कि ऑन वेरी सेम, वेरी सेम, देखिए ऑन का मतलब होता है अपना अपनी, क्या होता है, अपना अपनी, चाहे आई के साथ अपना अपनी आए, चाहे वी के साथ, जो पर्सनल प्रोनाउन है आई वी यू ही सी इट और दे, इन सभी के साथ अगर अपना अपनी आता है तो सभी के साथ क्या होगा, हमारा ऑन ही होगा। तो ऑन, ऑन मतलब अपना अपनी, और भेरी, भेरी का मतलब आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भेरी मतलब बहुत होता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत नहीं होगा, वही होगा, क्या होगा, वही, यहाँ सेंस इसका भेरी का क्या निकलेगा, वही। फिर होगा सेम, सेम का मतलब होता है बिल्कुल, क्या जी, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि भेरी मतलब वही और सेम मतलब बिल्कुल, तो भेरी सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। ऑन वेरी सेम, वेरी सेम, इटीसी आर सच एडजेक्टिव, मतलब ये जितने भी हैं, कौन कौन, ऑन हो गया, वेरी हो गया, सेम हो गया या वेरी सेम हो गया, इत्यादि, इस तरह से ऐसे विशेषण है, ऐसे एडजेक्टिव है दैट जो आर यूज टू कॉन्वे इंफेसिस, मतलब इन सभी का प्रयोग किए जाते हैं किस लिए, कॉन्वे मैंने देने के लिए, कौन चीज, इंफेसिस, बल, क्या देने के लिए, बल देने के लिए, जोर देने के लिए, ऑन द नाउन्स, किस पे जोर दिया जाएगा, नाउन पे जोर देने के लिए, यानी कि संज्ञा के ऊपर जोर देने के लिए, दैट फॉलो देम, उनको जोर देने के लिए क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सच एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण, ठीक है, ऐसे विशेषण आर कॉल्ड, ऐसे विशेषण को कहा जाता है इंफेसिजिंग एडजेक्टिव, ऐसे ही विशेषण को क्या कहा जाता है, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखिए क्या बोलता है,
I saw them with my own eyes. अब यहां देखिए, I saw them, मैंने उन्हें देखा या मैंने उन लोगों को देखा, मैंने उन लोगों को देखा with से, किससे? On eyes. अब देखिए यहां on को ढक दो, मैंने उनको मेरी आंखों से देखा, ठीक ना, आंखों, मैंने आंखों से देखा, लेकिन on आ जाएगा तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने जो on शब्द आया तो on हमारा क्या है, इसका हिंदी होता है क्या, अपना अपनी होता है, लेकिन यह आइज पर ये जो ऑन जो है ना इंफेस कर रहा है, क्या कर रहा है, इंफेसिस कर रहा है, मतलब कि बल दे रहा है, जोर देना है, मैंने तुम लोगों को देखा, नहीं कहते हैं कि ना ना हम अपना आंखें उनके देख ले ही आई, हम देख ले हैं अपना आंखें, हम देखे उन लोग के कि यहाँ वो लोग नाच रहा था, झगड़ा कर रहा था, तो ये कर रहा था, नहीं अपनी आंखों से मैंने देखा, तो अपनी आंखों से, अपनी जो शब्द आया, कौन आया, अपनी जो शब्द आएगा यही आपका क्या है, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द वेरी बुक, यह वही किताब है, यह वही किताब है, आई वांटेड, जिसे मैं क्या करता चाहता था, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था, ठीक है, तो यहां जो वेरी शब्द आया, क्या आया, वेरी शब्द आया, तो यही ये जो भेरी है ना ये बुक पर क्या कर रहा है, इंफेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, इंफेसिस कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है, बल दे रहा है, तो ये जो भेरी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंफेसिजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा।